चलो आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, मेरी हेल्प करनी है। इन दोनों में से कोई भी एक उंगली चूज करो, 2021 में कोरोना रहेगा कि जाएगा, यस और नो? राइट डिसीजन ले रहे हो ना? कंफ्यूजन ये है कि कोरोना तो वैसे भी हमें कंफ्यूज कर रहा है, अब जिया तुम हमें क्यों कर रही हो? एक्चुअली में राइट डिसीजन लेना कभी कभी कितना बड़ा कंफ्यूजन होता है, और इसलिए मैंने सोचा इतने सारे लोग मुझे इतने सवाल पूछते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि यार ये डिसीजन लेना जिया बहुत डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं उसके बारे में तुम क्या मानती हो? मैंने सोचा चलो आज ख्यालों वाली खिड़की में इसी टॉपिक के बारे में बात की जाए। व्हाट इज द राइट वे टू टेक डिसीजन? अपना डिसीजन मेकिंग किस तरह से परफेक्ट बनाया जाए, कैसे लिया जाए सही निर्णय? चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मतलब ये तो आम दिनों की बात है। मेरा एक दोस्त ऑफिस में पिछले एक हफ्ते से इतना परेशान, मैं उसके पास गई, मैंने पूछा क्या यार तुम इतना परेशान रहते हो, कुछ टेंशन है क्या? तो उसने कहा कि यार जिया मैं सोच रहा हूँ कि मैं भाड़े के घर में रह रहा हूँ, मैं अपना घर ले ही लेता हूँ, लेकिन मुझे एक टेंशन हो रही है। मैंने कहा क्या, अपना घर ले रहा है तो इसमें टेंशन क्या है? तो उसने कहा कि देखो ना यार, इस कोरोना में तो वैसे भी सबकी नौकरियां जा रही हैं, आज मेरे पास नौकरी है, आज तो मुझे लोन मिल जाएगी, लेकिन अगर 6 साल के बाद मेरी नौकरी नहीं रही तो EMI कैसे मैं पे करूंगा, इससे अच्छा मैं भाड़े के घर में रहता हूँ। वैसे दिवाली भी आ रही है, टेंशन भी होता है कि कब तक भाड़े के घर में रहूंगा, मतलब इतना कंफ्यूज, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन उसका एक डर सही था कि ऐसे फेज में जब कोरोना भी है, पैंडेमिक में लोगों की नौकरियां नहीं रही है, उसमें रिस्क लेना और साथ में ये भी टेंशन है दिवाली में भाड़े के घर में रहना, अपनी मर्जी से जो करना है वो नहीं कर पाना, वो भी तो एक दुविधा है, क्या करे क्या ना करे, ऐसी मुश्किल है। लेकिन ये तो हम सबके जीवन में होता है ना, जो चीज हमें करनी होती है उसमें हमारे फायदे और नुकसान के बारे में हमें पहले से नहीं पता होता है। कई बार हम रिस्क लेते हैं तो सफल हो जाते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मुझे अगर मौका मिलता मैं वापस उस टाइम पे जाता, सब कुछ ठीक कर देता और एक नया डिसीजन ले लेता। ऐसा होता है ना, कई बार होता होगा, और वो भी बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर, चाहे हमें MBA करना हो या फिर MBBS करना हो या MCA करना हो, यार मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, नहीं नहीं अभी शादी कर लूं या फिर करियर पे फोकस करूं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और उस सिचुएशन में सही राइट डिसीजन कौन सा कब लेना, उसका कोई क्लास हुनर, ऐसी कोई स्कूल नहीं है जो हमें सिखाएगा। लेकिन एक बहुत ही आसान सा तरीका है, एक बहुत ही इजी ट्रिक है कि जब मैं दुविधा में होती हूँ तो मैं ये ट्रिक करती हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे राइट टाइम पे डिसीजन लेके फायदा होगा ही होगा, ऐसा मेरा इंस्टिंक्ट कहता है, ऐसा मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहता है। जब भी मैं कोई चीज में दुविधा में ऑप्शन चूज करना होता है तो ये ऑप्शन मेरे लिए सही है, ये मुझे अंदर से ऐसे वाइब्स आते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे मिलती है। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ऐसा हमारे साथ होता क्यों है, हम क्यों नहीं ले पाते हैं सही डिसीजन। जैसे मेरा अनुभव कहता है कि कई बार हम फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सोचते। जैसे आपको एक डिसीजन लेना है लेकिन आपको ये नहीं पता कि अभी आपको फायदा लग रहा है पर आगे जाके हो सकता है वो नुकसान, या उल्टा अभी आपको नुकसान लग रहा है पर आपको आगे जाके उसमें फायदा मिल सकता है। सो इस दुविधा में से बाहर कैसे आए, किस तरह से डिसीजन लेके हमारा ये फायदा है नुकसान है और किस तरह से फोकस किया जाए, बहुत ही आसान सा तरीका है। एक कोरा पेपर उठाइए, उसके बीच में एक लकीर खींच लीजिए, आपको जो डिसीजन लेना है वो दो ऑप्शंस जो आपने चूज किए हैं अपने माइंड में उसे पहले लिख लीजिए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। अब जो आपने कागज में बीच में लकीर बनाई है वहां पे उसके बेनिफिट सबसे पहले, हमेशा पॉजिटिव चीज पहली लिखनी चाहिए, तो बेनिफिट सबसे पहले, उसके बाद नुकसान लिखिए। अब जब आप बेनिफिट लिखेंगे तो जब हम अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं ना तो हमारी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होती है, ये यूनिवर्स का लॉ है। जब आप अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छी चीजों के बारे में गिनते हैं माइंड में, तो आपका फियर, आपकी इनसिक्योरिटीज उस पर हावी नहीं होती, क्योंकि आपने पहले से ही उसे एक पॉजिटिव वाइब दिया है। सो बेनिफिट लिखते जाइए, जैसे जैसे आप बेनिफिट लिखेंगे आपको पता चलेगा आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा पॉजिटिवली बिल्डअप हो रहा है। जैसे ही बेनिफिट आप लिखेंगे अब आप आएंगे नुकसान के ऊपर, बेनिफिट के सामने देखते देखते आपको नुकसान सोचना है
कि मैं अगर अभी धंधे में इन्वेस्ट करूंगा, बिजनेस करूंगा, मार्केट ऑलरेडी डाउन है, तो मैं कैसे कोप अप करूंगा? अच्छा, मैं कोप अप नहीं कर पाएगा तो इन्वेस्टर्स को कैसे लाऊंगा वापस? या अभी मैं MBBS करने की सोच रहा हूं, लेकिन 12th के एग्जाम के बाद जिस तरह से अभी ऑनलाइन स्टडी में इतने सारे पैरामीटर्स एजुकेशन में बदल गए हैं, तो अब आगे कितनी हायर कॉम्पिटिशन होने वाली है। सो जब भी आप नुकसान सोचे, फ्यूचर के बारे में जरूर सोचें। लोग ऐसा बोलते हैं, जो होता है होने तो अच्छे के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होती है। सो बी रेडी फॉर द रिस्क, और उसके होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। सो नुकसान भी लिखिए। जैसे जैसे आप नुकसान लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भैया अभी जो करना है उसमें ये है, उसके बेनिफिट भी ये है, उसके नुकसान भी ये है। आपका दिमाग इतना फ्री हो जाएगा, आप इतने फर्म हो जाओगे लाइफ की हर एक छोटी छोटी चीजों में, फिर आपको आदत हो जाएगी, आप इतने क्विक हो जाओगे राइट डिसीजन को लेकर। सो इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू गो बैक टू बेसिक, जैसे हम स्कूल में कर रहे थे, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें। जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, प्रैक्टिस करो, उसके बारे में पहले अच्छाई लिखो, उसके बाद उसकी बुराई आपको कम नजर आएगी। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप जो करना चाहते हो उसमें ए प्लान बी प्लान है, लेकिन आप कितना उसके पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में सोचते हो। ऐसा करने से शायद आपका माइंड डबल नहीं होगा, आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, और आपका थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगा। सो इट्स राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने का ये सबसे आसान तरीका है, सबसे ईजी तरीका है। तो आज ही आप अपने कोई भी डिसीजन को लेकर कन्फ्यूज रहते हो, या फिर आपको श्योर नहीं है, आप हमेशा एक उसमें रहते हो कि नहीं करूं, तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस कीजिए और मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। और दूसरा, एक वेरी पर्सनल, मेरा एक बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फेल हो जाओगे, फियर में हो, डोंट टेक रिस्क, उस चीज को छोड़ दो। आई बिलीव इन दैट कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो उससे भी अच्छा, गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू, भगवान ने आपके लिए एक स्पेशल प्लान बनाया है, एंड दिस इज ऑल्सो गॉड्स प्लान। कि वो अभी आपको वो शाइन नहीं दिखा रहा है, मे बी आपका वक्त आने वाला है, लेकिन उसके पहले का ये जो अंधेरा है उसमें आपको रोशनी ढूंढनी है, ये कुछ भी हो सकता है। सो आज की खालो वाली खिड़की में आप डिसीजन ले पाएंगे, आई एम श्योर। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।